हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्कुलर स्टिरअप का आप कटिंग लेंथ ऑटोमेटिकली कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसका एक्सेल फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर स्टिरअप आप देख सकते हैं, ये है BBS ने बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्कुलर स्टिरअप जो कॉलम है आपका, उतना जो भी सेक्शन है उसका, ये गिवन डाटा में बस वैल्यू को आपको पुट करना है, बाकी सारा कुल कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि 900 mm डाया का अगर आपका कॉलम है तो उसका कटिंग लेंथ जो आएगा वो आएगा 2.71 मीटर, ठीक है। और एक स्टिरअप का वेट आएगा 1.07 kg, ठीक है, अगर 8 डाया का है तो। अगर ये 8 की जगह पर 10 डाया हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस 10 डाया में ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं कैसे हमने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 900 है, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे 600 मीटर में किया तो सारा कुछ चेंज हो गया, वेट भी चेंज, कटिंग लेंथ भी चेंज, ठीक है, सारा चेंज। इसी तरह से सब कुछ हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिंग 125 इंटू सेंटर है, अगर इसको हम 150 कर देते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए सिंपली करना क्या होता है, इस फार्मूले में फिट करने के लिए सबसे पहले 600 जैसे है वैसे 8 लिख दीजिए मेन कॉर्नर पे, मेन डाया या कॉर्नर जो स्टील है 12 डाया है, देख सकते हैं। इसको 16 करेंगे तो इस जगह भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इस फार्मूले को ऐसे फिट किया है, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये है 250, तो इक्वल टू डॉलर, इक्वल टू करके डॉलर हमने लगाया, उसके बाद एफ क्यों लगाया, क्योंकि एफ वाले कॉलम में है, फिर डॉलर लगा के किस रो में है, 10 वाले रो में है, ये रेडियस का तो हमने दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह से 16 डाया है तो आप देख सकते हैं इक्वल टू डॉलर एफ, डॉलर 7 7 में है, आप देख सकते हैं, तो 7 इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हैश टैग कैसे आ रहा है, केवल हम 16 की जगह पे अगर 12 करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डाया का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया था, यहाँ से आने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आएंगे फॉर्मेट सेल में और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके हैज, हैज पे क्लिक करके ओके कर देंगे सिंपल, तो ये हैज आ जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ठीक है। इसके बाद रेडियस निकालने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई किया हमने, इक्वल टू D/2 माइनस कवर माइनस हाफ डाया हाफ स्टिरअप। अब कवर एक ही इसलिए माइनस कर रहा है क्योंकि रेडियस से हम निकाल रहे हैं, अगर डाया से निकालते हैं तो 2 कवर माइनस होता, अब 20 सेंटर से कर रहे हैं तो 1 कवर माइनस होगा और 1 स्टील का हाफ ऑफ डाया स्टिरअप माइनस होगा, मतलब 8 डाया का स्टीरअप है तो 4 में माइनस होगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, जैसे इक्वल टू F6/2, F6/2 मतलब ये 600/2 माइनस F9 यानी कवर, ठीक है, फिर माइनस F8/2 मतलब डाया बाहर /2, इतना किया तो 256 mm रेडियस आ गया, ठीक है। अब बस इसमें हमने फिट किया, ऑटोमेटिक चेंज होने लगा। वो कैसे, हमें डिस्क्रिप्शन में ये लिख देना है, सीरियल नंबर लिख देना है, सेव बना देना है, नंबर ऑफ आइटम 1, ठीक है, डाया बार 8 डाया हमने लिख दिया जो यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ बार, एक स्टील का निकाल लें तो 1, अगर 10 है तो 10 इंटर करेंगे, ठीक है। कटिंग लेंथ ये कैसे आया वो हम आपको दिखाते हैं। इस जगह पे जो आपको वाइट दिख रहा है, यहाँ पे हमने फार्मूला सेट किया हुआ है, इसको अगर हम इस तरह से करके देख सकते हैं, कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टिरअप और यहाँ पे हमने निकाला है, ये देख सकते हैं क्या होता है। सर्कुलर केस में ये सर्कमफ्रेंस लेंथ हमको निकालना होता है, उसका फार्मूला होता है 2πr, तो 2 हमने लिख दिया, पाई की वैल्यू लिख दी 3.14 और आर F10 यानी F10 आर हमने निकाला था, प्लस 2 × 10D हुक का 2 × 10 हो गया और D के लिए हमने F8 ले लिया, इसको ले लिया, तो यहाँ से हमारा कटिंग लेंथ आ गया। अब इसी कटिंग लेंथ को उठा कर यहाँ पे रख दिया, आप देख सकते हैं इक्वल टू Q16 यानी यहाँ पे था हमारा, यहाँ रख दिया, 1000 से डिवाइड इसलिए किया, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद
टोटल लेंथ के लिए हमें क्या किया, नंबर ऑफ बार में कटिंग लेंथ का मल्टीप्लाई किया, आई 14 में से एच 14 देख सकते हैं, आई 14 इंटू एच 14 तो आ गया हमारा टोटल लेंथ। अब यूनिट वेट जो है उसके लिए हमने क्या किया, इक्वल टू जी 14 ठीक है इंटू जी 14 यानी डाया स्क्वायर अपन 162 किया तो आ गया हमारा यूनिट वेट ठीक है। इसके बाद टोटल वेट के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया यूनिट टोटल लेंथ का, तो 6.99 केजी आ गया जो कि 8 mm में ऑटोमेटिक आ गया। अगर इस 8 को अगर हम 10 कर दें ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 8 से हट के यही वाला वैल्यू यहाँ आ गया। अब इसमें फार्मूला हमने क्या सेट किया है वो आपको दिखा देते हैं। अब देख सकते हैं इसमें हमने किया इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट जी 14 बराबर 8, मतलब अगर जी 14 बराबर 8 है तो एल 14 मतलब इस वाले टोटल वेट में जो चीज़ आएगा वो आ जाएगा 8 mm वाले में इसमें ठीक है। अगर हम 10 mm वाले में चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या किया जी 14 बराबर 10, अगर ये 8 के जगह पे 10 है तो ये वाली वैल्यू जो है टोटल वेट वाली यानी एल 14 वाली यहाँ पे शो किया है वो आ जाएगा 10 में। उसी तरह 12 में 16 में फार्मूला में लगाया है ठीक है। फार्मूला आप इसको देख लीजिए अच्छे से, इसे आपको याद कर लेना है। इस फार्मूले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप ठीक है, ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।